आज दुनिया के 192 देशों ने इस बारे में योग के इस मूल को स्वीकार करके, योग के इस मूल तत्व को स्वीकार करके इस बात को साबित किया है कि भारत की परंपरा सांप्रदायिक नहीं हो सकती, भारत की परंपरा मानवतावादी है, भारत की परंपरा दुनिया को एक नया मार्ग दिखाने वाली परंपरा है। और योग की इस परंपरा को जब दुनिया आत्मसात करते हुए दिखाई दे रही है कि मानवता का स्वरूप योग के माध्यम से दुनिया के सामने देखने को हम सबको प्राप्त हुआ है। कल योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर 20 जून का ही दिन क्यों योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। और मुझे लगता है कि आप में से हर एक व्यक्ति जिस भीषण गर्मी में भी इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहा है, अपने आप में किसी योगी से कमतर नहीं है।